जय श्री राम दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी जॉब लगने वाली है, वो भी सिर्फ 10th और 12th पास के बेस पे, या फिर अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप जॉब कर सकते हैं, वो भी जियो और एयरटेल जैसी कंपनी में। सैलरी रहने वाली है 40 to 50 thousand, या वो 60 भी हो सकती है, अब वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। सो आप में से कई लोग जो है वो बिना सोचे समझे इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का ट्राई करेंगे, और यही सबसे बड़ी आपकी गलती रहने वाली है। आजकल कई ऐसे स्कैम्स आ रहे हैं जिसमें जो है स्कैमर जो है इन कंपनीज का जो है नाम यूज़ कर रहा है। वो कैसे आपको ट्रिक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ एक ऐसा स्कैम होने वाला था, हालांकि वो बच गए। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको बताया कि इट्स अ काइंड ऑफ अ स्कैम जिसमें जो है आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो अमाउंट आपसे लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, वो एक्चुअली फ्रॉड है। वो फ्रॉड ही कर रहे हैं, वो बस उनका ही टारगेट होता है कि वो इस टाइप से चीज़ें कंपाइल करें, आपके सामने प्रेजेंट करें कि आप भी धोखा खा जाए। एक पल के लिए तो मैं भी सोचे पड़ गया था, क्योंकि ये लोग करते क्या है, ये लोग फेक आईडीज जो है वो जनरेट करते हैं जियो कंपनी के नाम से या फिर एयरटेल के नाम से, पीडीएफ आपको भेज देंगे, और प्रोफाइल इनकी वेल मेंटेन्ड होती है। अब मुझे नहीं पता ये प्रोफाइल लाते कहाँ से ऐसी, बट ये करते क्या है, कई बार ये एड्स रन कर देते हैं जिसके थ्रू क्लिक्स तो इनके पास आते हैं, इंप्रेशन तो आते हैं इनके पास। अब ये जो एड रन करते हैं उससे इनके पास कैंडिडेट्स आते हैं, फिर उन कैंडिडेट्स को जो है एड्स में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते कि चार्जेस लेंगे या कुछ लेंगे। फिर धीरे धीरे करके जब ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपसे आपकी आईडी मांगते हैं, उसके बाद ये मांगते हैं आपसे पैसा। तो यहाँ पे मैं वैसे आपको मैं ये कहूँगा कि चाहे आप पैसा दे या ना दे, वैसे तो आप ना ही दे। और उसी के साथ जो है कई लोग ये बेफिक्र हो जाते हैं अपनी आईडी शेयर करके। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है ऐसे लोगों को अपनी आईडी ना दे, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जहाँ पे इन्होंने आपकी आधार कार्ड का या आपके वोटर आई कार्ड या आपकी पर्सनल पर्सनल आइडेंटिटी का जो है गलत यूज़ किया है। अब मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाके दिखाता हूँ कि इन्होंने किस टाइप की पीडीएफ फाइल जो है वो मेरे को जो भेजी है, क्या क्या उनको ट्रैप तैयार किया उनको फंसाने के लिए। तो देखो गाइस, पहले तो इसने यहाँ पे लिया जियो रिलायंस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जॉब डिटेल्स इसने मेंशन करके रखा कि 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ये वो। अब इसमें जो भी चीजें वो मैं स्किप कर दूंगा। हाँ, सैलरी बता देते हैं कि 18,000 रुपए और ये सब है, आपको प्रति मैसेज वैसेज जो भी है आपको मिलेंगे, और फायर वालतू की चीजें जो भी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये लोग करते क्या है, ये देखिए, 2100 रुपए मेंटेनेंस फीस विल बी चार्ज। अब मेंटेनेंस फीस यहाँ पे तो ये मेंटेनेंस फीस मांग रहे हैं, कई जगह पे ये रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, कई जगह पे ये लोग जो है रजिस्ट्रेशन फीस हो गया या प्रोसेसिंग फीस हो गया या फिर ट्रेनिंग फीस हो गई, ये सब मांगते हैं, बाद में बोलते हैं कि रिफंड हो जाएगा। एड्रेस देखिए आप, एड्रेस डाल रखा है अब, थैंक्स एंड रिगार्ड रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जो भी इन्होंने दे रखा है। अब मैं आपकी इनकी सबसे बड़ी चीज दिखाता हूँ कि इन्होंने ना यहाँ पे ऐसा एड्रेस मेंशन कर दिया प्रॉपर पीडीएफ फाइल में, बहुत लंबा चौड़ा हिंदी में। अब इन्होंने जो मेरे सब्सक्राइबर को भेजी थी इमेजेस, ये देखो रिलायंस करियर, यहाँ पे नाम वाम देखा हुआ है, ये सब लिखा रखा है। एक डिवाइस आईडी आपकी फालतू की जनरेट कर देंगे, और होता कुछ नहीं, इन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है, सिंपल सिर्फ पिक जो है वो रिप्लेस कर देते हैं और कुछ नहीं, बाकी इधर नाम वाम चेंज कर देते हैं ये। उसी के साथ इन्होंने दूसरे आईडी कार्ड और वो भेजते हैं कि रिसिप्ट टाइप की, आप ये देखो। अब देखो दिस कार्ड वाज इशू बाय, ये कुछ बुजेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी जेन्युइन है। वैसे एक कंपनी है ये जेन्युइन का पता नहीं मुझे, क्योंकि इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं है, मुझे नहीं लगता इंडिया में, ये है युगांडा में। अब अगर आप इसके रिव्यूज चेक करें, पहला जो इसका नेगेटिव रिव्यू यही है कि कंपनी इज यूजिंग कंपनी नेम इन टेलीग्राम, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम पे इन कंपनी का नाम यूज हो रहा है और ये पहले नहीं है, और भी ये देखिए, ठीक है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो भी 6875 रुपीज का। अब होता क्या है, ये लोग किसी भी कंपनी को उठाते हैं, इनके नाम पे ये सब करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अब एक ये एक नया आया था, ये देखिए, इस पे भी एयरटेल का नाम, भारतीय एयरटेल, एसएमएस, जॉब डिटेल, आप जॉब आप मैसेज भेजो आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। ये देखिए सैलरी रेंज देखिए इसकी, 46,000, 18,000 to 46,000। थोड़ा सा ये लोग एडिटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी इधर उधर कंपनी का नाम चेंज कर दिया, एंड देन उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप जो है इस पे अप्लाई करो, आपको पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में आपसे पैसे ना मांगे, आपकी डिटेल्स ले, और आपके दो चार मैसेज करने के बाद जो है आपको बोले कि कब तक आप 5 से 6 रुपया ऐसे 10-20 रुपए कमाओगे, आप एक रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, आप हमारे परमानेंट वो एम्प्लॉय बन जाओ। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो गाइस प्लीज सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच फ्रॉड्स। कोई भी कंपनी है ना, कभी भी ऐसे थर्ड पार्टी से आपकी ऐसी हायरिंग नहीं करवाएगी। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ऐसे लोगों से जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें या ना आपसे पैसे ले, क्योंकि मोस्टली चांसेस जो होते हैं फ्रॉड ही होते हैं। सेव योर सेल्फ फॉर सच स्कैम्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आई बटन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन जॉब्स एंड स्कैम अलर्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।